अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर पाकिस्तान। नाज़रीन, नारान कागान और झील सैफुल मलूक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, और जो लोग नहीं जानते इन लोगों को बताते चलें कि ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़िया है, जो खूबसूरती का एक शाहकार है। पहाड़ों और बर्फ में गहरी ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस झील के साथ जिन्नात और परियों की कई कहानियाँ मुंसलिक हैं, जो यहाँ के मकामी लोग खुद अपनी जुबान से बयां करते हैं। नाज़रीन, आज आपको इस झील से मुंसलिक शहजादा सैफुल मलूक और बदीर जमाल परी की कहानी सुनाते हैं। नाज़रीन, ये कहानी हकीकत में मंबी है या अफसानवी दास्तां, इसके बारे में आज तक कोई हतमी राय नहीं मिली। मकामी लोगों का कहना है कि इस झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि इस झील की तह से निकलता है। इस झील की पानी की मकदार हमेशा एक जैसी ही रहती है। इस झील की गहराई का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा सका। जिसने भी लगाया और जिसने भी कोशिश की, वो झील की तह से कभी वापस आ सका। कहा जाता है कि ये झील 3 लाख साल पहले वजूद में आई, जब वादी कागान का सारा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। इस झील के अतराफ में पहाड़ों की बुलंदी 17,000 फुट तक है। आज तक इसे कोई सर ना कर सका। लोग इसकी वजह शहजादा सैफुल मलूक की बददुआ कहते हैं। शहजादा सैफुल मलूक मिस्र के बादशाह के बेटे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनका ताल्लुक दिल्ली से था। शहजादा सैफुल मलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा। इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए कई नजूमियों से राब्ता किया, लेकिन कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। आखिरकार एक नजूमी ने शहजादे को इस ख्वाब की ताबीर कुछ यूं बताई कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोकाफ की परी है। कोकाफ जिनों और परियों का इलाका है, जहां इंसान का जाना नामुमकिन है। इस नजूमी ने शहजादे को ये भी बताया कि वो परी हर बार साल में झील सैफुल मलूक पर गुस्ल करने आती है, और इस परी का नाम बदी जमाल परी है। नजूमी ने शहजादे को कहा कि तुम्हें नारान जाना होगा और इस परी के दीदार के लिए 12 साल तक झील पर चिल्ला काटना होगा। फिर नजूमी ने शहजादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा कि जब तुम 12 साल तक चिल्ला काट लो तो इसके बाद ये टोपी पहन लेना, तब तुम जिन्नात और परियों को देख सकोगे। शहजादे ने बगैर ताखीर के नारान के सफर के लिए चल पड़े। जब वो नारान पहुँच गए और चिल्ला काटने लगे, 12 साल बाद शहजादे को परियों के परों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसे गार से बाहर जाकर देखा, बहुत सारी परियां झील में उतरी हैं। सब परियों ने गुसल शुरू किया। शहजादे को मौका मिल गया। इसे परी बदीर जमाल का लिबास उठाकर अपने पास रख लिया। बाकी परियां वहां से चली गईं और परी बदीर जमाल पर लिबास ना होने की वजह से वहीं रुक गई। परी ने शहजादे से लिबास मांगा, लेकिन शहजादे ने कहा कि एक शर्त पर लिबास वापस दूंगा कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन परी ने इनकार कर दिया। फिर शहजादे ने अपना तारुफ फरवाया कि तुम मेरे ख्वाब में आती थी और मैंने 12 साल तुम्हारे लिए चिल्ला काटा। ये सुनकर परी भी शहजादे के इश्क में मुब्तला हो गई। झील के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम मलका पर्वत है। इस पहाड़ को आज तक कोई ना सर कर सका। कहा जाता है कि वहाँ जन्नात का बसेरा है। इस पहाड़ में एक देव रहता था, वो भी परी का आशिक था। जब इसको पता चला कि एक शहजादा आया है और वो परी को साथ लेकर जाएगा, ये सुनकर वो आग बगोला हो गया। वो दोनों को मारने के लिए झील पर उतरा। इस डर से शहजादा और परी दोनों जान बचाने के लिए नारान की तरफ भागे। देव गुस्से से पागल हो गया, इसे झील का बंद तोड़ के सारे इलाके को सैलाब की सूरत में पैदा कर दिया। शहजादे और परी ने सैलाब से बचने के लिए एक गार में पनाह ली। वो गार आज भी नारान के बाजार में मौजूद है, जहाँ लोग सैर करने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो सैलाब में गर्क हो गए, और कुछ लोगों का कहना है कि वो आज भी गार में जिंदा है। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हर किस्मत मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।